अंदाजा लग गया होगा कि आज हम कहाँ हैं। जी हाँ, आज चिड़िया है किनारी बाजार में। दरीबे कला से ये बाजार शुरू होता है और बल्ली मारा तक ये बाजार जाता है। बहुत ही खूबसूरत बाजार है, तस्वीरें देखकर समझ आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि बाजार आज गुलजार है, और वो क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन है कल, और बहनें अपने भाई के लिए राखी खोज रही हैं, अच्छी अच्छी खूबसूरत राखी। लेकिन सवाल ये है कि वो राखी कौन सी लेंगी, वो चाइनीज राखी लेंगी या फिर इंडियन राखी लेंगी। भाई मुहिम तो ऐसी चल रही है कि चाइना के सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दो। भाई अब हमारे हर त्योहार में चाइना घुसा हुआ है किस तरीके से, तो उसको कैसे हटाया जाएगा? और सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करने से हिंदुस्तान चाइना पे दबाव बना पाएगा या नहीं? ढोकला मुद्दे के बाद ये एक तरीके से मुहिम छेड़ी हुई है तमाम संगठनों ने कि क्या चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना है या नहीं। चलिए, हमारे साथ दो खूबसूरत सी लड़कियां हैं। हेलो, यहाँ क्यों आई है राखी लेने के लिए? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अच्छी राखी मिलती है। आप रहते कहाँ हैं दिल्ली में, कौन सी जगह रहते हैं? शास्त्री नगर। अच्छा, वहाँ से आप यहाँ आए? हाँ जी। और कारण? कॉस्टली भी नहीं है, अच्छी राखियाँ हैं, अच्छी राखी, ट्रेंडफुल राखियाँ। अच्छा, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक गेम खेलनी होगी। मेरे शो का नाम है चिड़िया उड़, और शो का नाम ये पता है क्यों रखा है आपको? क्योंकि चिड़िया उड़ती रहती है, अलग अलग डाल पर जाकर बैठती है और फिर देखती है आज यहाँ क्या हो रहा है, आज यहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या खरीदारी कर रहा है। तो नजर मेरी आप ही पर थी। चलिए एक बार गेम खेलते हैं, अपना मोबाइल दीजिए, यहाँ पे यहाँ से शुरू करेंगे। आइए चिड़िया उड़, बोलिए बोलिए। तोता उड़, तोता उड़, मैना उड़, मैना उड़, राखी उड़। भाई राखियाँ उड़ रही हैं, लेकिन ये उड़ती उड़ती चाइना से यहाँ पहुंची। आप ये बताइए, ये जो आजकल एक मुहिम चल रही है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर रहा है, पहले ये बताएं आप कौन सी राखी प्रेफर करेगी, हिंदुस्तानी या फिर चाइनीज? नहीं, ऑब्वियसली इंडियन, इंडियन रहा, इंडियन। लेकिन मूल भी इंडियन राखी ही है, तो चाइनीज राखी क्यों खरीदें? पर हमारे हर त्योहार में चाइना एक तरीके से घुसा हुआ है। आप देखोगे कि यहाँ राखी, बहुत सारी चाइनीज राखियाँ हैं। इसके अलावा इसके बाद जन्माष्टमी आएगा, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चाइना से आती हैं। क्या चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स करना चाहिए। और ऐसा क्यों लगता है आपको, क्यों करना चाहिए? क्या हिंदुस्तान एक दबाव बना पाएगा चाइना पे? दबाव का तो नहीं कह सकते, बट या इंडियन जो अपने मेहनत करके जो राखी बनाते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एक मार्केट मिलेगी अगर हम इंडियन प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। और चाइना को जितना सारा मनी जा रहा है वो इंडिया में रहेगा। जब होली होती है तब आप कौन सी पिचकारी खरीदते हैं? पिचकारी तो मैं जनरली स्टील की, जो हाँ। मतलब आपने पहले से ही तय कर रखा है इन्होंने कि हमने तो चाइना को बैन करना ही करना है। थैंक यू सो मच, बाकी लोगों से भी बात करते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। नमस्कार सर, ये बताएं, बहुत सारी चाइनीज राखियां मार्केट में हैं, ऐसा क्यों, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, इसको बैन करना चाहिए? कितनी डिमांड है चाइनीज राखियों की? कम है, ज्यादा डिमांड नहीं है, बच्चों के लिए ज्यादा। हाँ, बच्चों के लिए ज्यादा। अच्छा, वैसे तो बड़े अरसे से चाइनीज राखियां बिकती आई हैं, इस बार कुछ चेंज नजर आ रहा है? कोई माल कम आया हो या ज्यादा आया हो डिमांड? कोई ऐसा खास, खाली ये है कि डिमांड कम ही है, चाइनीज आइटम की डिमांड कम हो गई है। हाँ। चाइनीज आइटम की डिमांड ही कम है। मतलब अपने आप से, ये जब से मुहिम चली है तब से ये डिमांड कम, डिमांड कम ही हो गई है, पब्लिक चाहती नहीं अब चाइनीज आइटम खरीदने। आप किनारी बाजार में जब आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत दुकानें आपको सजी धजी मिल जाएंगी, जिसमें बहुत सारी चाइनीज राखियां भी मिलेंगी, इंडियन राखियां भी आपको मिलेंगी। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगी, राखी खरीद रहे हैं? हाँ जी, जी सर। कौन सी राखी ज़्यादा प्रेफर करती हैं आप, मतलब हिंदुस्तानी या चाइनीज राखी, किस तरह की राखी? हिंदुस्तानी सिंपल था। हिंदुस्तानी सिंपल। लेकिन बाजार में ही देखिए, मैं देख रही हूँ, ये एक दिखाइए भाई, भाई साहब जरा दिखाइए, ये चाइनीज है या इंडियन है बताइए? अब ये इनको नहीं पता, ऑब्वियसली ये चाइनीज है, इनसे मैं पहले पूछ गई थी, उन्होंने बोला चाइनीज राखी। बैनिंग, एक्चुअली वी आर अगेंस्ट चाइनीज थिंग्स, लेकिन फिर भी मार्केट में है, आपको लगता है बैन करने से फायदा है? नहीं, इंडियन ही ले रहे हैं सब, इंडियन ले रहे हैं, चाइनीज को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें चाइनीज प्रोडक्ट अभी मार्केट में है, किड्स की डिमांड है कि ये होता है, बाकी बड़े तो सब इंडियन। एक चीज और बताइए अब, क्योंकि बच्चों की डिमांड इस तरह की राखी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में भी ऐसी चीजें बननी चाहिए, इस तरह की मार्केट आनी चाहिए? थोड़ा होना चाहिए, अगर इंडिया बने, इंडियन में बने, मतलब तो ज्यादा इंडिया पे बननी चाहिए,
बट हम इंडिया के चाइनीज जो अभी चाइनीज को बहिष्कार कर रहे हैं और हम लोग अधिकतर जो चाहते हैं इंडियन प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट है क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग है और हमारे जैसे कि हमारे लघु उद्योग को इसमें बढ़ावा मिलता है। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो हमारे इंडिया में बना हुआ, जैसे हमारे इंडिया की GDP बढ़े और इंडिया का ग्रोथ बढ़े। मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स को टोटली बैन कर दिया जाता है क्या किसी तरह का हिंदुस्तान को नुकसान होगा? क्या हम दबाव बना पाएंगे चाइना पर? एब्सोल्युटली नुकसान चाइना को होगा और चाइना अभी बौखला हुआ है क्योंकि उसके मार्केट अभी GDP जो है इंडिया की ज़्यादा है और चाइना की अभी बहुत डाउन है, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया में इंडिया का मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है और चाइना को इससे बहुत ज़्यादा फर्क है। वो दिन के दिन अपना बौखलाहट दिखा रहा है, अपना वहाँ फोर्स की ताकत दिखा रहा है और वहाँ पर जहाँ पर अपने बॉर्डर पर वहाँ पर हमारे को डोकलाम में और एंटीवायरस जो जहाँ टैंक का कर रहा है कभी अपने रिहर्सल करा रहा है उससे, जिससे कि लगता है कि वो चाइना को और इसी तरह से इंडिया के सारे लोगों ने अगर बहिष्कार करना शुरू किया मैं तो उसका फायदा होगा और 100% फायदा और दबाव बनाने में हिंदुस्तान कामयाब रहेगा। चलिए कम से कम अभी तक की जो चर्चा हुई उसमें ये तो निकल कर सामने आ रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना है, चाइनीज राखी को बैन करना है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैम राखी खरीदने आई हैं? यस। किस तरह की राखी खरीदना ज्यादा पसंद करती हैं? आपकी कोई चॉइस क्या सोच के आई थी? आइए जरा एक मिनट बात कीजिए। इंडियन? हाँ इंडियन राखी। टोटल इंडियन राखी? टोटल इंडियन। अच्छा, बचपन में कभी बनाई है राखी आपने? याद नहीं है। बच्चे बनाते हैं तो याद है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बताएं कि मार्केट में बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स भी हैं, चाइनीज राखियां भी हैं, आपको लगता है बैन? पता नहीं चल पा रहा ना कौन सी चाइनीज है कौन सी इंडियन है। देख रहे हैं जो इंडियन मोतियों वाली लगती है वही ले रहे हैं। अच्छा, ये चीज गौर करने वाली है, वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं चाइनीज कि अगर हम उनको हिंदुस्तानी चीजों में बिखेर दें तो समझ नहीं आती कि उसमें कौन सा चाइनीज और कौन सा इंडियन है। तो आप सोचिए कि हमारे त्योहारों में किस तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट घुस चुके हैं, बहुत। आपको लग रहा है कि उसको निकालना चाहिए, फायदा ये निकलना चाहिए? बिल्कुल। उससे फायदा इंडिया को क्या होगा? हमारा सरप्लस हमारे पास ही रहेगा, पैसा हमारा हमारे देश में रहेगा। चलिए मैम राखी एंजॉय कीजिए। आइए सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सैनिक पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ से प्रिंसिपल हूँ। हमारे बच्चे 201 फुट की राखी रक्षाबंधन वाले दिन वाघा बॉर्डर पे हमारे सैनिकों को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप जब जरूर। तो 201 फुट की राखी प्रिंसिपल साहब है वो भी हमको मिल गए। वैसे किनारी बाजार में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, मार्केटिंग चलती रहती है, ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलते जा रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए, क्या राखी को बैन करना चाहिए, किस तरह की राखी वो खरीदना पसंद कर रहे हैं। कुछ और लेडीज से बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो, राखी खरीदने आई है? कौन सी राखी खरीदना पसंद करेंगे? फूलों वाले। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका कोई छोटा भाई है? मतलब बहुत छोटा? नहीं, छोटा नहीं है। जब भाई थोड़ा छोटा था तो भाई की कुछ डिमांड हुआ करती थी, मुझे गन वाली राखी चाहिए या मुझे घड़ी वाली राखी, पोकेमोन वाली। हाँ। तो कहाँ से अरेंज करती थी? यहीं आते थे किनारी बाजार लेने की। हाँ। यहाँ पे सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। तो रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का बड़ा अटूट संबंध होता है, किस तरह का रिलेशन है भैया से आपका? अच्छा रिलेशन अच्छा है। है। मार कुटाई होती रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बड़े हो गए? हाँ। तो इस बार मतलब वो पोकेमोन से धागे वाली राखी पे। हाँ। चाइनीज राखियाँ बहुत मार्केट में है, आपने अब पोकेमोन की खरीदी। हाँ। होगी, तो आपको लग रहा है कि अब जैसे नारा चल रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करो, इससे कोई फायदा होगा? होगा, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी और इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे मार्केट में। हाँ। क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियंस को इंडियंस प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए चाइनीज की जगह। फिर हम लोग क्यों खरीदते हैं बार बार? बहुत बार देखा है हर त्यौहार में चाइना घुसा हुआ है। हाँ, तो अब इसलिए इस बार इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है, सारा मीन्स ट्रेडिशनल हो रहा है। इंडियन प्रोडक्ट ट्रेडिशनल है, चाइनीज प्रोडक्ट ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल नहीं, लेकिन अभी बताएं, मैं किसी से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि वो इस तरीके से मिक्सअप हो जाता है कि हमें छांटना पड़ता है कि इसमें इंडियन कौन सा है और चाइनीज कौन सा है। पर आजकल शॉपकीपर्स बता देते हैं, मैम आप ये इंडियन राखी मिलेगी और ये चाइना प्रोडक्ट बताया जा रहा है, बताते हैं यहाँ पर सारे शॉपकीपर्स आपको बता देंगे कि ये इंडियन है ये चाइनीज है। अच्छा, और उसमें फिर आप इंडियन प्रेफर करती हैं? कभी राखी बनाई है खुद? हाँ, स्कूल टाइम में बनाई। इस बार मन नहीं कर रहा कि खुद से बना के बनी जाए? है मन, पर इतना टाइम नहीं होता। चिड़िया उड़ तोता उड़ खेले कभी? हाँ। मजा आता है? हाँ। खेले एक बार, मोबाइल दो अपना, यहाँ पे खेलेंगे। चलिए चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, चाइनीज उड़। ये अच्छा कि आपने उड़ा दिया। अच्छा इंडिया उड़, इंडिया कैसे उड़ा दिया? तो
हमें चाइना और चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ से उड़ाना है, यही मकसद है। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर राखी। मैम आपसे बात, बहुत सारे लोग बात भी नहीं करते, वो कहते हैं हम बात नहीं करना चाहते, हम शॉपिंग करना है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ, चिड़िया का काम ही क्या है डिस्टर्ब करना, लेकिन मुद्दा भी तो निकालना है भैया। आप चाइनीज राखी को बैन करेंगे नहीं करेंगे, क्या त्योहारों से चाइना को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा? आपसे बात कर सकती हूँ मैं, मुझे बताइए कौन सी राखी खरीदना पसंद? राखी इंडियन राखी ऑफ कोर्स, लेकिन चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारे त्योहारों में इतना ज्यादा क्यों सम्मान है? आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, दैट्स कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ता भी है एंड अच्छा भी है। उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी है, हिंदुस्तान की गलती भी है, क्योंकि हमने उस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं। या एग्जैक्टली। और अब जो ये कहा जा रहा है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कीजिए, आपको लगता है इससे फायदा होगा कहीं ना कहीं? क्या हिंदुस्तान चाइना पर दबाव बना पाएगा? डेफिनेटली या। और आप जैसे मार्केट में शॉपिंग करने आई हैं, राखी खरीदने आई हैं, आपको यहाँ पर दिख रही होंगी चाइनीज राखियाँ भी? हाँ बिल्कुल। प्रेफर किसको करें? प्रेफरेंस ऑफ कोर्स इंडियन राखी, चाइनीज तो नहीं, बट कई बार लाइक फॉर किड्स इफ आई हैव टू बाय तो आई विल बाय दैट। या तो आपको लगता है कि ऐसे में फिर हिंदुस्तान में भी वो ऑप्शंस होनी चाहिए? मैम आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या इंडिया में ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं है कि लोग चाइनीज प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं? अवेलेबिलिटी तो है, लेकिन वही है कि चाइनीज थोड़ा सस्ता पड़ता है इसलिए लोग जाते हैं, लेकिन लेना इंडियन ही चाहिए, सीरियसली। और अब ये नारा दिया गया है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करो, सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बच्चे क्योंकि ज्यादा जिद करते हैं कि गन वाली घड़ी वाली इस तरह की राखी चाहिए, वो कैसे कन्विंस करेंगे? वो बच्चे हैं, कैसे कन्विंस करेंगे मुझे भी बताइए। सब मम्मियाँ सुनना चाहती, सब बहनें सुनना चाहती हैं कि आज कैसे अपने भाई को कन्विंस किया जाए कि आप इंडियन राखी पहनिए। और इंडियन चाहे मूली बांध ले वो ठीक है, लेकिन चाइनीज राखी नहीं लेनी चाहिए। चाइनीज राखी नहीं। हाँ। क्या चाहते हो बहन, कौन सी राखी बांधे? इंडियन राखी। इंडियन राखी नहीं, फिर वो पोकेमोन और वो गन वाली उसका जिद तो नहीं करोगे? नहीं 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 नहीं, कभी बोला उसको कि मेरे लिए घड़ी वाली राखी लाना? चलो चिड़िया उठ, यहाँ हाथ रखो ऐसे, आओ चिड़िया उठ, होता चिड़िया उड़, उड़ चाइनीज उड़, उड़ उड़ गया चाइना, उड़ गया, कहाँ गया? उड़ गया, उड़ गया मार्केट से उड़ गया, कोशिश यही है। एक शॉपकीपर है, जरा उनकी भी राय जल्दी से ले लेती हूँ। सर मुझे ये बताइए कि चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड फेस्टिवल्स में बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसा क्यों? और आप लोग भी सेल करते हैं? नहीं, बी वेरी ऑनेस्ट, होता था, लेकिन हाँ ठीक है इस बार बदला है माहौल थोड़ा सा, हम बैन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में चाइना का था, पर राखी की लाइन में नहीं है। लेकिन मैंने बाहर देखा छोटी छोटी गन्स और वो पोकेमोन डोरे, सब अपने इंडियन है। अच्छा, वो भी इंडियन? सब इंडियन है। मेन कलावे की डिमांड है, कलावे की राखी की डिमांड है, चाइना की राखी की कोई डिमांड नहीं। आपको लग रहा है कि चाइनीज राखियों पर और चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बैन लगना चाहिए हिंदुस्तान में? आप तो बहुत बड़े बाजार में बैठे हैं। लगना चाहिए पर, लेकिन पहले इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे इस चीज के लिए, तो लगना चाहिए। कमी कहाँ नजर आती है? अपने कमी नजर आ रही है कि इंडिया वाले खुद नहीं लगा पा रहे इस चीज को, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। अपने इंडिया में इस चीज को करो ना। मुझे बाहर बहुत सारे लोग मिले, महिलाएं मिली, उनका ये कहना था कि क्योंकि वो ज्यादा चीप होता है, सस्ता होता है, तो जाहिर सी बात है ग्राहक उसकी तरफ जाए। इसकी क्वालिटी भी घटिया है, क्वालिटी घटिया है तो इसलिए चीप है, क्वालिटी बढ़िया होगी तो चीप नहीं होगा वो। क्वालिटी मेंटेन करें बढ़िया होगा, अपने इंडिया के अंदर वो चीज होनी चाहिए, तो चाइना के लिए जाएंगे क्यों लोग? अगर इंडिया से चाइनीज प्रोडक्ट्स, तमाम प्रोडक्ट्स बैन कर दिए जाते हैं, आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है, हम बैन कर देते हैं, क्या हिंदुस्तान चाइना पर दबाव बना पाएगा? इसके लिए तो मैं कहना मुश्किल है कि दबाव बना पाएगा या नहीं, पर आइटम्स के लिए तो इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे तो चाइना पे दबाव पड़ेगा। आप कौन सी राखी खरीदने आई हैं? आइए जरा इधर आइए, आपका भाई है? हाँ जी। कितना छोटा? वो 12th क्लास में। 12th क्लास में, बस फिर तो वो पोकेमोन डोरेमोन की डिमांड ही नहीं करेगा, फिर तो आप कलावा की राखी। हाँ जी, वो बाहुबली वाली ली है उसके। बाहुबली। ओह माय गॉड, एक चीज और ऐड ऑन हुई है, पोकेमोन डोरेमोन। अब हम मान सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो आगे जा रहा है भाई, इस बार राखी में ना पोकेमोन डोरेमोन नहीं, बाहुबली की राखी ज्यादा नजर आ रही है। हाँ जी, इस बार राखी में बाहुबली की डिमांड ज्यादा रही है, बाहुबली की राखी हमने बेची। और इस बार वैसे नरेंद्र मोदी की राखी भी ज्यादा बिक रही? नहीं, मोदी की नहीं बिक रही, बाहुबली ज्यादा बिक रही। बाहुबली ने ओवरटेक कर लिया है नरेंद्र मोदी को और पोकेमोन डोरेमोन सभी को। तो बहरहाल चिड़िया के उड़ने का समय आ गया है, किनारी बाजार की रौनक, थोड़ी सी शॉपिंग मुझे भी करनी है, मुझे भी बहुत सारी राखी खरीदनी है। आप लोग एंजॉय कीजिए रक्षाबंधन का त्यौहार।